पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन मिली थी, उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कहा कि उनको जो कोविड का उन्होंने टेस्टिंग किया था उसका जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा उसको संदेह है कि वो रिपोर्ट ओरिजिनल ना होते हुए वो डुप्लीकेट है या बोगस है। उस हिसाब से हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे, हमारे ACP भोसले मैडम और हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ है, डिटेक्शन ऑफिसर PSI शिंदे और PI नागटीरक और नायर, इन्होंने सब जो कंप्लेन थी इसको वेरीफाई करने के लिए अलग अलग टीम बनाई। वो बनाने के बाद में उसमें ऐसे पता चला कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दूसरे के नाम का है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी दूसरी मदद से उन्होंने वो डुप्लीकेट बोगस रिपोर्ट बनाया है। ऐसे उसमें क्लैरिटी होने के बाद में हमने जो स्वैप कलेक्शन करने वाला जो आदमी है उससे हमने पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने एक डुप्लीकेट बोगस रिपोर्ट बनाए हुए है और उसको ऊपर हमने चीटिंग फोर्जरी का हमने केस बना के उसको उसमें अरेस्ट भी किया हुआ है। आरोपी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी है, आरोपी एक लैब में एज ए टेक्नीशियन और स्वैप कलेक्शन का काम करता है। उसकी उम्र 29 साल है और ऐसे उसने लोगों से स्वैप कलेक्शन करने के बाद में वो स्वैप्स लैब में टेस्टिंग के लिए ना भेजते हुए उनको खुद के लैपटॉप से उनका बोगस रिपोर्ट बना के जो स्वैप जिनसे स्वैप लिया हुआ है उनको उसने ईमेल किया हुआ है, ऐसे इसमें निष्पन्न हुआ है। सर, एक कैसे पता चला कहाँ पे स्कैनिंग की थी जो डुप्लीकेट है करके? ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जनरेशन होने के बाद में वो रिपोर्ट के ऊपर जो बारकोड होता है वो बारकोड स्कैन करने के बाद में वो बारकोड जिस व्यक्ति को रिपोर्ट बनाया गया है वो उसमें निष्पन्न पता चलता है। तो ऐसे हमने अभी तक 37 ऐसे रिपोर्ट्स कलेक्ट किए हैं कि जिसमें स्कैन करने के बाद में पता चलता है कि वो स्वैप रिपोर्ट दूसरे आदमी का है और इशू दूसरे आदमी को किया गया है। ऐसे पता करने के बाद में इसमें हम उसके तय में हम जा रहे हैं। इसके साथ कितने और लोग शामिल हैं? अभी तक एक अकेस को हमने अरेस्ट किया हुआ है, इसमें बाकी भी लोग शामिल होने की चांसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।